सो आप लोगों के क्यू कार्ड के आंसर्स क्यों नहीं लेंथी होते? व्हाई आर यू अनेबल टू स्पीक एट लेंथ इन क्यू कार्ड? और मे बी एट टाइम्स आई हियर दिस ओनली फ्रॉम माई लर्नर्स, मैम वी आर अनेबल टू स्पीक एट लेंथ इन द क्यू कार्ड, वी आर अनेबल टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स इन द क्यू कार्ड, वी जस्ट टेक सो मेनी पॉजेस वाइल स्पीकिंग. सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि यू डू नॉट हैव आइडियाज और मे बी योर फ्लुएंसी इज नॉट दैट परफेक्ट. सो वॉट एग्जैक्टली डू यू नीड टू डू? इन दिस वीडियो ऑफ माइंड मैं आपको समझाने वाली हूँ एक मेथड आईईसी. विद द हेल्प ऑफ आईईसी यू कैन इजिली एक्सपैंड एनी क्यू कार्ड आंसर. सो जस्ट वॉच द वीडियो अंटिल द एंड, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने आपको एक कॉपी पेस्ट वाली लाइन दे देनी है. ठीक है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता देना है, बस आपने वो स्ट्रक्चर यूज करना है एंड यू कैन इजिली स्पीक फॉर मोर देन 2.5 मिनट्स. सो बस आपने क्या करना है, वही जो मैं आपको बोलूंगी वो हर एक क्यू कार्ड में वही लाइन्स ऐड कर देनी है इंट्रोडक्शन में एंड कंक्लूजन में. सो ध्यान से वीडियो को देखना एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव नाउ यू गाइज आर एबल टू सी द स्क्रीन. हाउ टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ क्यू कार्ड आंसर? टेक द कीवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल द क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. सो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन में मेजर कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज यूजुअली अ नाउन और एन एडजेक्टिव. इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इज द कीवर्ड. नाउ थिंक ऑफ टू स्टोरीज रिलेटेड टू दैट कीवर्ड. अब कीवर्ड है इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, कोई भी दो स्टोरीज सोचो. जस्ट ट्राई टू रिकॉल टू इंसिडेंट्स वेयर यू हैड इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद वन और द अदर. देन यूज द टेक्निक आईईसी. आईईसी टेक्निक है क्या? इंट्रोड्यूस, इलेबोरेट एंड कंक्लूड. मैं बताऊंगी इंट्रोडक्शन की कॉपी पेस्ट लाइन्स एंड कंक्लूजन की कॉपी पेस्ट लाइन इन द नेक्स्ट लाइन. एड एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू स्पीक एट लेंथ. नाउ यू आर गोइंग टू एड एग्जाम्पल्स इन योर स्टोरीज. दिस विल हेल्प यू इन स्पीकिंग एट लेंथ. लेट्स से यू हैड अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स. सो आप एग्जाम्पल एड कर सकते हो कि आई वॉज देयर, आई वॉज इन कैफे कॉफी डे एंड वी जस्ट हैड हाफ एन आवर्स टाइम एंड शी वॉज ऑल्सो ऑक्यूपाइड एंड आई ऑल्सो हैड टू गो फॉर अ मीटिंग, बट लकीली माई मीटिंग गॉट कैंसल्ड एंड शी वॉज ऑल्सो लाइक शी वॉज इंजॉइंग द कॉन्वर्सेशन अलॉट दैट शी डिडंट वॉन्ट टू गो एंड वी चैटेड फॉर मोर देन 2 आवर्स दैट डे एंड वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स सो आई कैन रिकॉल दैट. ठीक है, तो एग्जाम्पल एड कर दिया. एग्जाम्पल एड करने से इजिली टाइम आपका इंक्रीज होता जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई हैविंग नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश ऑन अ डेली बेसिस. जब रेगुलरली इंग्लिश में बात करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. नाउ क्यू कार्ड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? देखो इंट्रोड्यूस जब भी करना है, आईईसी जो टेक्निक मैंने बताई है इट इज जस्ट लाइक इंट्रोड्यूस, इलेबोरेट एंड कंक्लूड. सो इंट्रोड्यूस करने के लिए बस ये लाइंस आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है, कोई भी क्यू कार्ड आ जाए. वेल आई हैव हैड अ प्लेथोरा ऑफ इंट्रीगिंग टॉक्स. अभी इंट्रीगिंग टॉक्स की जगह वो आ जाएगा जो आपके उस क्यू कार्ड का कीवर्ड होगा. ठीक है, सो वेल आई हैव हैड, ये आई हैव हैड वाला स्ट्रक्चर काफी पावरफुल स्ट्रक्चर है, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड बैंड स्कोर. वेल आई हैव हैड अ प्लेथोरा ऑफ इंट्रीगिंग टॉक्स विद वन और द अदर पर्सन. वेल आई हैव हैड अ प्लेथोरा ऑफ इंट्रीगिंग टॉक्स, इंटरेस्टिंग टॉक्स, फैसिनेटिंग टॉक्स विद वन और द अदर पर्सन, बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सपाउंड वन सच कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड विद माई ग्रैंड फादर. So here I am going to expound, elaborate, explain, elucidate one such conversation that I had with my grandfather. Also, I'll be mentioning one more instance which was quite humorous. Also, मैं एक और instance add करूंगी जो काफी humorous था. ठीक है, so हो सकता है कि वो topic जो भी है उसी के according. I am going to expound one such conversation that I had with my grandfather. I am going to expound one such instance or one such vacation that I had with my friends. Also, I'll be mentioning. ठीक है, you can just do like this. Then elaborate करो दोनों stories को. जो भी आपने story one या story two दी है उसे elaborate कर दो. वो तो आपने ही करना है ना, क्या हुआ, कैसे हुआ. यू वर इन कैफे कॉफी डे, यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द वर्क लाइफ एंड देन लेटर ऑन यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट किड्स और मे बी यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट योर स्टडीज और प्लान ऑफ मूविंग अब्रॉड. कुछ भी बोल सकते हो.
एंड आपको पता चला डेट हर रियल सिस्टर इज ऑल्सो इन कैनेडा एंड यू कैन इवन स्टे इन हर अपार्टमेंट वंस यू मूव टू कैनेडा. सो ऑल दीज थिंग्स एग्जाम्पल्स एड करने हैं, स्टोरी ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगी. मोर ओवर ये जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूड आप एड कर देते हो, इस तरीके का इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आईसी वाली मेथड का, इससे इजिली आपके ना 30-45 seconds तो ऐसे ही ओवर हो जाते हैं. तो आपको खाली बोलना है 1 minute 15 seconds के लिए, बाकी तो मैंने आपको कंटेंट दे ही दिया है. सो आपने दोनों स्टोरीज बोल दी, एग्जाम्पल्स एड कर दिए, अब एक्सप्लेन कर दो एंड में बस कंक्लूड कर दो. एट लास्ट आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक आफ्टर डिस्कसिंग दीज एग्जाम्पल्स हेयर. At last, I am feeling nostalgic after discussing these examples here, and I have made up my mind to have such vacations in my life, interactions in my life. Also, when we interact with each other, when we interact with others, we improve our communication skills. Let's say vacation se related hai. At last, I am feeling nostalgic after discussing these examples here, and I have made up my mind to have more such vacations in my life. And I believe when we go on vacations, whenever we travel, we are exploring so many things and we get to know a lot about the things around us. So expand ही तो करना है ना यार, सिंपल सा लॉजिक है. IEC इंट्रोडक्शन मैंने बना के दे दिया है, कंक्लूजन मैंने बना के दे दिया है, बस यार दो स्टोरीज जो भी है उन्हें थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना, थोड़ा बहुत तो आप बोल ही सकते हो ना. और अगर आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम है तो सिंपल सेंटेंसेस बोलो पहले, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऐड करना. उसके लिए भी एक रूल है जो मैं एक्सप्लेन करूंगी इन द कमिंग वीडियो ऑफ माइन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ दैट्स अ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल इवन क्रिएट मोर वीडियोज लाइक सच फॉर यू. बाय बाय, अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन.